सहारनपुर जिला जो भारत देश के उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का एक प्राचीन व ऐतिहासिक जिला है। यह जिला अपने छोटे बड़े कुटीर उद्योग व लकड़ी उद्योग, इसके अलावा बासमती चावल के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहा है और जिले का प्रशासनिक मुख्यालय सहारनपुर शहर में स्थित है। दोस्तों, सहारनपुर जिले की स्थिति की बात करें तो सहारनपुर जिला उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग की ओर बसा हुआ है, जिससे इस जिले की सीमाएं तीन राज्य यानी हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड से लगती हैं, जिसमें शामिल शामली तथा मुजफ्फरनगर जिला हैं। सहारनपुर जिला भारत की राजधानी यानी नई दिल्ली से 172 किलोमीटर वहीं राज्य की राजधानी लखनऊ से 710 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जिले के इतिहास पर नजर डालें तो सहारनपुर जिले की स्थापना 1340 ईस्वी के आसपास हुई थी और इस जिले का नाम यहां के राजा रणवीर के नाम पर पड़ा था, लेकिन कुछ समय के बाद मुगलों ने इस जिले का नाम बदलकर सहारनपुर कर दिया। दोस्तों, 3860 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले सहारनपुर जिले की वर्तमान जनसंख्या लगभग 40 लाख 16 हजार है, जिसमें शामिल पुरुषों की कुल जनसंख्या 21 लाख 24 हजार है तथा महिलाओं की कुल जनसंख्या 18 लाख 91 हजार है और जिले का लिंगा अनुपात 890 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 890 महिलाएं हैं। वहीं जिले में धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो 56% हिंदू और 41% मुसलमान लोग रहते हैं और जिले की कुल साक्षरता दर 71% है। सहारनपुर जिले की मुख्य अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। यहाँ की मुख्य फसलें आम, गन्ना, गेहूं, चावल व कपास हैं, जो उच्च स्तर पर उगाई जाती हैं। दोस्तों, यातायात की बात करें तो यह जिला रेल मार्ग सड़क मार्ग से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग सहारनपुर रेलवे स्टेशन जिले का मुख्य रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन पर 6 प्लेटफार्म मौजूद हैं। यह रेलवे स्टेशन देश के बड़े बड़े शहरों से रेलवे लाइनों के द्वारा जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हर रोज हजारों की संख्या में यात्री अपनी मंजिल तक आसानी से पहुँचते हैं। सड़क मार्ग इस जिले से होकर नेशनल हाईवे संख्या 73 गुजरती है, जो आगे चलकर देश के बड़े बड़े शहरों से जोड़ती है। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।